शांति, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करेंगे तो सेवा में सफलता मिलेगी ही। ब्राह्मण आत्माओं का स्वांस ही सेवा है और सभी ब्राह्मण आत्माएं चाहते हैं कि जो भी हम बाबा की सेवा करें उसमें सफलता जरूर मिले। और सेवा में सफलता का आधार है निस्वार्थ भाव से सेवा और निर्विकल्प स्थिति में रहकर सेवा। निस्वार्थ भाव अर्थात जिस सेवा में किसी भी प्रकार का स्वार्थ ना हो, जो सेवा हद की कामनाओं से परे की सेवा है, जिस सेवा में दूसरों का कल्याण समाया हो, जो सेवा सर्व के लिए श्रेष्ठ कामनाओं से भरी हो, वास्तव में इसे ही कहेंगे निस्वार्थ सेवा। लेकिन सेवाएं करते हुए अगर ये संकल्प हो कि मुझे ही मान शान मिले, मेरे नाम का गुणगान हो, मुझे आगे रखा जाए, सबको पता चले कि हम कितनी सेवा करते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? क्या ये सेवा है जिसमें सिर्फ अपना स्वार्थ समाया है? सेवा का लक्ष्य तो हमारा ये होना चाहिए कि बाबा का नाम हो ना कि मेरा, बाबा की प्रत्यक्षता हो ना कि मेरी। लेकिन अगर हम सेवा में अपना नाम मान शान चाहते हैं तो सेवा निष्फल ही मानी जाएगी। इन नाम मान शान के संकल्पों की वजह से ही तो सेवा में निर्विकल्प स्थिति नहीं रह पाती है। ये संकल्प चलते रहते हैं कि पता नहीं सेवा में सफलता होगी भी या नहीं, क्या होगा, कोई दूसरा मेरे से आगे तो नहीं हो जाएगा, ऐसे कई तरह के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प चलते हैं। लेकिन अगर हम सच में बाबा की सेवा कर रहे हैं फिर तो बाबा अपना काम खुद करवा ही लेंगे। इसलिए हम सिर्फ सेवा में अपना फर्ज बड़े प्यार से बाबा की याद में, योग में बाबा की टचिंग लेकर निभाएं, आगे काम तो बाबा का है। वैसे भी जब हम कोई भी सेवा का शुभ कार्य निस्वार्थ भाव से करेंगे तो उसका फल तो अपने आप ही अच्छा निकल जाएगा। जैसा बीज वैसा फल तो मिलेगा ही। कई बार स्वार्थवश सेवा करते हुए ऊपर ऊपर से लगता भी है कि सेवा में सफलता मिल रही है, लेकिन स्वार्थवश की सेवा की सफलता में कभी भी आंतरिक खुशी और संतुष्टता नहीं मिल पाती है, सिर्फ बाहरी खुशी मिलती है। सेवा की सफलता तो तब कहेंगे जब हम स्वयं भी अंदर से संतुष्ट हों, अन्य आत्माएं भी हमारे से संतुष्ट हों और बाबा भी हमसे संतुष्ट हों, अन्यथा सेवा तो निष्फल ही कहेंगे। ओम शांति।